आपके दिमाग में से शायद छोटे होंगे ये वो जो गत्ते वाली जो टिकट आती छोटी सी। हाँ जैसे मानते ना तो जैसे किस स्टेशन तक चाहिए देखो बचाव के लिए इसमें भरा जाता था। और पहले क्या होता घर घर में बेटा मिट्टी तेल का था, लाइट तो थी नहीं। हाँ मिट्टी का तेल ही पहले यूज होता था पूरा, इसमें भर के रखते थे और यहाँ लॉक था तो क्या होता था जनता यहाँ के लॉक को देख के नल खोल के निकाल देती। हाँ क्योंकि 5 बजे के बाद ऑफ हो जाता है। हाँ रेलवे का तो जानते ही बिस्तर बिछा पड़ा रहता है जैसे, है ना बताना। हाँ 1942 में एसी नहीं होते थे बट उस समय एसी की सुविधा जरूर दी जाती थी। और कैसे दी जाती थी, कोच में ये बर्फ की सिल्लियाँ चढ़ाकर बर्फ की सिल्ली चढ़ा देते थे ताकि और फिर कोच बंद कर देते कोच। तो क्या आपस में हवा जैसे टकराती ना तो कोच ठंडे होते थे, इस तरह ठंडक की सुविधा दी जाती। जनरल कोच में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती थी, लेकिन बाथरूम की शौचालय है ना। उस समय 2 जुलाई 1909 को अखिल चंद सेन ने भारतीय रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखा। अच्छा हाँ इसको पढ़ोगे तो बहुत हंसी आएगी। ये लेटर बहुत अच्छा उसने लिखा है, उसके ऊपर से लिख दिया इसने। जब वॉशरूम वगैरह नहीं थे फ्री से पढ़ने से, तो फिर उसके बाद से ये फैसिलिटी आई ये लेटर लिखने के बाद। हाँ इस लेटर को सलामी है कि इसके बाद से जनरल कोच में सुविधा शुरू हो गई, पहले नहीं थी। अच्छा उसके बाद से फिर ये बायरल टॉयलेट सिस्टम अब रेलवे ले आई, और ये सिस्टम होता है प्लेन में। उस प्लेन के सिस्टम को अब रेलवे ट्रेन में ले आई है। तो देखोगे तो जैसे लाइट चालू होगी तो बहुत बिग बल्ब है ना, तो दिखेगा भी नहीं शायद किसी एक में दिख जाए नहीं क्योंकि फ्यूज हो जाते हैं बच्चे बार बार खेलते हैं। तो इसका इंटरनली फंक्शन देखो यहाँ पर दिखाया गया है, इसको देखने से फौरन समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है, ये इंटरनली फंक्शन है। हाँ। इसमें ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाया ना हाँ। ये ग्रीन नेट इसमें लगा दिया जाता है और बैक्टीरिया डाल दिया जाता है। वो बैक्टीरिया उसको यहाँ से प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वो वाटर फॉर्म बनता जाता है और लास्ट में इस क्लोरीन चैम्बर से लास्ट में गैस बनकर उड़ जाता है। तो अब अपना अजमेर का स्टेशन हो चाहे जो भी स्टेशन कोई भी स्टेशन साफ सुथरे रहे। हाँ साफ सुथरे रहते थे, पहले गंदगी काफी ज्यादा रहती थी। अब कोच देखेंगे अपन सफर करते साफ सुथरे रहते हैं। साइंटिस्ट जो थे उन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। स्टीम इंजन वो कोयले वाले स्टीम भाप से चलने वाले। हाँ भाप से चलने वाले। ये देखो फर्स्ट ये फर्स्ट है पहला भाप से चलने वाला इंजन भारत का है ना। ये है भाप द्वारा चलित पहला प्रस्तावित व्हीकल 1680। इसके बाद जो भी आए उन्होंने इसको डेवलप करते गए, अलग अलग शेप देते गए, किसी ने है ना स्टीम का शेप चेंज किया तो किसी ने उसको पूरा मॉडल को चेंज किया तो किसी ने कैसे अपना पूरा इस सन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते गए। और देखो समय के हिसाब से चेंज होता चला गया। और अब अपना रेलवे जो ट्रैक बिछाते थे और उस समय में गिट्टी पत्थर जो डालते हाँ, पत्थर के लिए अब रेलवे ये मशीनें ले आई शोल्डर ब्लास्ट के ना क्लीनिंग मशीन वगैरह। तो इनसे अब क्या है कि अब एम्प्लॉय का नहीं करना पड़ता और ये सारा काम मशीनें खुद ही कर लेती हैं। ये देखो ये यहाँ से जैसे ये गिट्टी गिरती जाएगी साइड में गिरती जा रही है अपने पहले काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी इस चीज पे। अब रेलवे बहुत आगे बढ़ चुकी है। अच्छा सन 20 में जनवरी में तो ये सवारी गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक इंजन अपने अजमेर में चालू हो गया और सन 20 के लास्ट में दिसंबर में मदार से उदयपुर के लिए मालगाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक इंजन चालू कर दिया। तो अब अपने अजमेर में नौ नौ इंजन चालू है इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा आगे बढ़ेंगे तो अपन देखेंगे पुराने समय में स्टीम इंजन कैसे चलता था। ये हाँ जी स्टीम इंजन पुराने समय का बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी पहले पर वायु प्रदूषण धुएं के कारण धुएं की वजह से धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और आगे परिवर्तन आता गया। तो इसका मोनो है ये इसमें अपन समझते हैं। इसमें क्या होता है यहाँ पर ये कोयले का टैंक होता है हाँ। और आगे बढ़ेंगे तो ये वाटर का टैंक होता है। जब कोयला जलता है तो पानी गर्म होता है। पानी गर्म होता है तो इन बड़ी नलिकाओं में जैसे अपन घर में कुछ खाना बनाते हाँ। तो प्रेशर कैसे कुकर में बनता हाँ, है इस तरह से इन बड़ी नलिकाओं में पानी गर्म होगा तो स्टीम भरेगा हाँ। और जब स्टीम भरेगा तो वो आगे बढ़ेगा इन छोटी नलिकाओं द्वारा हाँ और बढ़ता हुआ इस स्टोरेज में आ जाएगा और यहाँ ये पूरा स्टीम भरेगा। जब यहाँ स्टीम भर जाएगा हाँ। तो फिर पायलट क्या करेगा इस
स्टेयरिंग के द्वारा वॉल को सेट कर गई, ये स्टेयरिंग है, हाँ जी जी, इसके द्वारा वॉल सेट करता है, और जब वॉल सेट करता है तो ये वॉल होता है, हाँ, ये स्टीमर है यहाँ पर, है ना, इस वॉल को जैसे ही वो सेट करेगा ना, यहाँ से स्टीम यहाँ आएगी, यहाँ जैसे ही आई तो ये इसको पुश करेगा, और पुश करेगा तो ये स्लाइड यहाँ आगे बढ़ती टर्न लेती है, वापस ये पिस्टन पर आएगी, पिस्टन पर, और जब पिस्टन पर आएगी ना, पिस्टन जब मूव करेगा तो ये स्लाइड फटाफट व्हील रोटेट होगा, जब स्ट्रोक लगेगा इसमें, आप भी चला के देख सकते हैं, मैं बताऊँ आप देख सकते हैं, नहीं नहीं आप चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलाती देखना कैसे ये रोटेट होगा, पुराने टाइम पे अजमेर में इलेक्ट्रॉनिक विभाग स्टेशन में किस जगह था और सेमाफोर सिग्नल सिस्टम कैसे वर्क करता था, है ना, अब ये दिखा, आइए देखते हैं वो भी, ये पुराने समय का, अपन जहाँ खड़े हैं वो बैक साइड है, बैक साइड, बैक साइड स्टेशन, हाँ जी, और वो फ्रंट का है, वो साइड फ्रंट साइड है, अपन यहाँ से ट्रेन चलाते हैं, देखना आप कैसे चलती है, एक सेकंड इस साइड से लेते हैं, यहाँ से आपको सही से समझ में आएगा, आपको सही समझ, हाँ जी, अब बताइए, ये लाइट्स वगैरह जल गई हैं, साथ साथ जाएंगे ये ऑटोमेटिक सिग्नल लेता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, इसके साथ साथ जाइए तो बहुत अच्छा नजारा लगेगा, अपना पुराने समय ऐसा लगेगा अपन पुराने समय में चले ऑटोमेटिक, अब उधर पार्सल घर के अंदर सब रखी हुई वो आगे बढ़ेगी, चंद्र उड़ता ही नगर फिर वहाँ उसका स्टॉप है, यहाँ रुक जाएगी, देखो थक गई वो, देखो रुक गई यहाँ पर आके अपने आप स्टॉप पे, इसको रुकना पड़ेगा, हाँ हाँ, तो जब एम्प्लॉय आते हैं सुबह मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग आफ्टरनून आफ्टरनून इवनिंग, है ना, चार टाइम लोग का पंचिंग मशीन, पंचिंग है ना, तो इसमें आउट इन का सिस्टम है, आएंगे बाहर जाएंगे फिर आएंगे फिर बाहर जाएंगे, तो इस टाइप से जैसे आ गए ड्यूटी पर तो ये इसको इन में कर देते हैं, इन में करने के बाद इसमें कार्ड डाला जाता है और इसको प्रेस किया जाता है, तो डेट और टाइम और वो कार्ड की, ये पहले होता होगा अब तो अपडेट हो गया होगा, अभी ये अभी भी यही चलता है, वो भी चल रहा है, दोनों चल रहे, अच्छा करता है, अच्छा 1876 का ये वॉच है और ये आज भी वर्किंग में है, सामने में देखो वर्कशॉप में फर्स्ट पिक्चर ऊपर, ये आज भी वर्किंग है, हाँ वर्किंग है, इसके लिए एक वर्कर रखा जाता है हमेशा, एक एम्प्लॉय होता है इसके पीछे, वो इसका गेयर का वो सारा सिस्टम, हाँ वो मेंटेनेंस तो चाहिए इसको, हाँ काफी, और 1940 में जाएंगे पुराने समय में, तो उस समय अपना अजमेर में इनफील्ड पैटर्न राइफल ये भी बनाया जाता है, ये क्या चीज़ है, इनफील्ड राइफल, राइफल, हाँ राइफल, वही मैं सोच रहा हूँ गन जैसा लग रहा है ये, गन ही तो, हाँ ये भी बनता था, और ये बारूद के गोले भी बनाए जाते थे, गोले बारूद गोले होते हैं, और ये पुराने समय के गोले पहले हर घर में मिलती थी, हाँ अब नहीं मिलती कहीं, अब एंटिक पीस बन चुके हैं, अभी बच्चे छेड़ते हैं, ये पहले सेल वगैरह से चलती थी, किससे चलती थी, ये चाबी सिस्टम, अच्छा चाबी से, क्या टाइम हुआ, अपन टाइम मिलाते हैं, मैडम ने टाइम सेट कर दिया यहाँ पे मैनुअली, छेड़ देते तो इसकी सेटिंग गड़बड़ हो जाती है, फिर चलती है प्रॉब्लम, एक बार चाय भरने के बाद कब तक चलती है, कितने टाइम, कितने, वन वीक चल जाती है वो चाय भरने के बाद, क्या बच्चे लोग हाथ लगाते हैं, हाँ छेड़ देते हैं वो सेटिंग वगैरह,
ये वर्क करता भी है? अब तो नहीं करता हुआ। ओहो अभी भी स्विच है जो काम करते हैं, अभी चल रहे हैं और अभी भी चल रहा है। करते थे बट ये तो शुरू में 15 दिन जो फ्रिज में दिखाया ना बच्चों ने पैर से इसको चलाए, मैं वहाँ जाऊँ यहाँ जाए शैतान कर यहाँ वो वहाँ भाग गया। 40 बच्चों की टीम थी वो, उन्हीं लोगों ने पूछा तब उन्होंने कबूला कि हम पूरे 40 बच्चे हैं मैडम। अच्छा कहाँ का देखो, देख लो तुमसे जो जो कर लो। ये क्या चीज़ है? चैन पुलिंग। अब चैन पुलिंग, चैन नहीं खींचना चाहिए, पुल नहीं खींचना। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि चैन पुल करना यानी देश की संपत्ति को एक नुकसान। हाँ बिल्कुल, वेस्ट करना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक ट्रेन अगर 15 मिनट रुकती है तो उसके पीछे सारी ट्रेन 15 मिनट रुकती चली, सारी ट्रेन लेट होती है फिर। और एक बार अगर इंजन बंद हुआ तो एक बार तो 40 लीटर उठा के वो चालू होता है, वो बंद हुआ और फिर चालू करें तो फिर वो 40 लीटर उठा ले। ऐसे कितने इंजन का वो होगा, कितना लीटर तेल खप जाएगा इनमें एक्स्ट्रा खपत, सरकार को नुकसान हुआ। हाँ दूसरा जो उसमें टाइम से जाते होंगे उन सबको 15 मिनट करेंगे तो सबका ड्यूटी टाइम का सभी का ऐसा शक्ति रहती है कि 15 मिनट लेट आए तो उनको घर भेज दिया। और 15 का और कईयों का ऐसा होता है ऑफिस में कि 15 मिनट लेट आए तो उनकी सैलरी कट जाएगी। हाँ ये तो देश का नुकसान आम कर्मचारियों का सबका बहुत। मैं दो सिस्टम बताती हूँ, जैसे कोई चैन खींचता है ना तो ये बहुत घूम जाता है पहली चीज। दूसरी यहाँ ये लाइट चालू रहती है, अब आप सोचोगे कि ये दोनों होते कहाँ है। हाँ। तो जैसे ये सपोज कोच है ना, कोच इधर भी पिछवाड़ा होता है, इधर भी पिछवाड़ा पे वॉशरूम बना था लास्ट में। हाँ, उस पिछवाड़े में ये वॉल लगा हुआ होता है और यहाँ से ऐसे तार जाता है, उसका हैंडल होता है, जैसे ही कोई चेंज खींचेगा ना फिर जब चेक करते हैं तो उसको खींच के सेट करना पड़ता है। और ये लाइट जैसे अपन एग्जिट से उतर रहे हैं, आंख बंद करेंगे तो एग्जिट को देखेंगे ना, जस्ट उसके पीछे बैक साइड में ये बॉक्स लगा हुआ होता है। दिमाग थोड़े जोड़ देंगे तो याद आता है, ये दो ही चीज समझ में आ गई। अब इसका सिस्टम देखो कैसे होता है। सपोज मैं यहाँ से चैन खींच रही हूँ, जैसे ही मैंने खींची ये घूम जाएगा, घूमते साथ यहाँ से प्रेशर निकलेगा, भयंकर आवाज होगी, पूरी ट्रेन को पता चल जाता है जितने बैठे सब कि चैन खींची गई है, क्योंकि इसका आवाज है ना करके होता है और भयंकर आवाज होता है। तो ये प्रेशर निकलते ही ट्रेन के सारे चक्के जितने भी वो ऑटोमेटिकली ब्रेक लगते जाएंगे, रुक जाएगी, नहीं चल पाएगी। और इस कंडीशन में पायलट टीसी, पायलट और उसका असिस्टेंट गार्ड टीसी चारों वो उधर से देखते आएंगे, ये इधर से देखते आएंगे। अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है कि उन लोग को बैठे बैठे पता चल जाए किस कोच में से चेन खींची गई। नहीं तो ये सिस्टम तो होना चाहिए। नहीं बना है, बना ही नहीं है, क्योंकि ट्रेन चलानी है तो इन लोग को चेक करना पड़ेगा, उसको भी चेक करना है, दोनों के पास ब्रेक लगाने का पावर होता है, गार्ड के पास और पायलट के, दोनों को चेक करना। अच्छा वो जब चेक करते करते आएंगे ना तो वो ये देखेंगे किस कोच का बॉल घुमा हुआ है, उस कोच, क्योंकि ये पर्सनली होते हैं हर कोच में, हर कोच में हर कोच के अपने होते हैं, तो जिस कोच का है उस कोच को जाके सेट करेंगे, इसको घुमा के यहाँ हैंडल होता है उसे खींचेंगे, खींचते साथ ये प्रेशर लेवल में आएगा, लेवल में आते ही ट्रेन हो गई खुश, क्योंकि कंप्रेशर तुरंत प्रेशर बना देगा, ये चलने के उस मूड में आ जाता है। फिर इस लाइट को देख के आगे पुलिस का काम शुरू हो जाता है, तो पुलिस तो जानते हो क्या करती है, वो इतना काम होगा ना इतना बढ़ा देंगी वसूलने पे आई तो वो कितना ट्रेन को पूरा चेक करना पड़ता है। और एक ट्रेन बनती है तो उसमें क्या क्या मुख्य पार्ट क्या क्या होता है, आप जब बाहर से आ रहे थे तो एक कट मॉडल रखा हुआ था ग्रीन कलर का, उसको रनिंग में देखा चला क्या? नहीं देखा मैं, अभी कुछ नहीं देखा, अभी हम डायरेक्ट अंदर आए हैं। हाँ अभी जाएंगे ना तो ऐसा उस पर स्विच बोर्ड होगा, व्हाइट बटन होगा, उसको दबाएंगे तो वो चलेगा, तो उसमें बहुत बड़ा साइज का पिस्टन है और क्रैंक शाफ्ट और उसका लुब्रिकेटेड सिस्टम कैसे चलता है पूरा घूम के देखना, एक चलाना एक देखना, दूसरा चलाना फिर दूसरा देखना है ना, वो कट मॉडल, फिर आफ्टर कूलर ब्लोअर, ये टर्बो चार्जर है, ये वाटर पंप ल्यूबाइल पंप और ये ल्यूबाइल कूलर और लास्ट में इंजन, ये सारे पार्ट्स और वो बड़ा बड़ा पार्ट्स बाहर जो है ये सब जब मिल जाते हैं तो इस टाइप का एक इंजन रेडी इंजन बन जाता है। ये यहाँ पर 5 दिखाए हैं, एक ही है ये इंजन, मतलब ये एक बॉडी दिखाए, ये एक बॉडी है इसके अंदर ये सारे सामान फिट होते हैं, ये इसके सारे, उसके बाद ही पूरा एक इंजन रेडी होता है। ये सारे ये सारी वही चीजें जो सामने रखे हैं, ओरिजिनल चीजें हैं सारी इसकी,
और छोटे छोटे पार्ट तो इतने अनंत लगते हैं। ये तो बड़े बड़े पार्ट हो गए जो तो लगते लगते हैं। अच्छा, अब आप पायलट बनो और इसको चला के देखो ये इंजन कैसे चलता है। यहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता होगा ये पूरा। यहाँ तो क्योंकि वो सिस्टम नहीं कर सकते ना। हाँ, इसलिए यहाँ पब्लिक को समझाने के लिए मोटर से चलता है। पॉल्यूशन वगैरह भी हो जाएगा अगर वैसे चलाएंगे तो। ये पुराने समय का अपना डीजल इंजन, और ये वाला ये तो अभी भी मऊ में मऊ स्टेशन में मूव करता है। अच्छा, यहाँ आगे बढ़ेंगे तो ये लाइट का सेक्शन है। पुराने समय में लाइट कैसे जनरेट की जाती थी, क्योंकि उस समय लाइट का कुछ था ही नहीं। हाँ, उस टाइम तो कुछ भी नहीं। उस समय ये है एक्सल अल्टरनेटर कूलिंग वी बेल्ट के साथ, ये तब एक्सल पावर जनरेट करता था। और यहाँ पर ये दिखाया बैटरी का सेल्फ जनरेटिंग सिस्टम, बैटरी द्वारा पावर जनरेट, बैटरी द्वारा। और तीसरा सिस्टम डायनामो, ये मीटर गेज में, पहले पुराने समय में मीटर गेज चलता था। हाँ, उस समय ये फ्लैट बेल्ट द्वारा डायनामो को चलाया जाता था इन बेल्टों के। ये बेल्ट पहिए में लगी होती थी। हाँ, पहिए में होता था ना, फिर इसी के साथ ये डायनामो को कनेक्ट किया जाता। जब इसको कनेक्ट करते हैं तो सब मूव करते, हाँ, मूव करते तो ये डायनामो पावर जनरेट करता, पावर जनरेट। इस तरह कोच में लाइट्स वगैरह जो आ जाती हैं फिर। और जब इस तरह लाइट जल जाती तो ट्रेन मस्त चलती थी। हाँ, और जहाँ आगे जाके ट्रेन रुकती लाइट बंद, तो डायनामो बंद, चक्के बंद, लाइट और लाइट सिस्टम भी बंद। इसीलिए उस समय में बट्टी तेल का यूज ज्यादा था। हाँ, ये तो चलो ट्रेन चल रही है। हाँ, और डायनामो पावर था। हाँ, पर घर के लिए क्या, घर के लिए तो। हाँ, इसलिए उस समय बट्टी तेल का प्रयोग था। ये है ट्रैक चेंज करने का। हाँ, ये तो देखा है, रोड लगे हुए कई बार जैसे बैठे रहते हैं ट्रेन में तो खट से ट्रेन ऐसे राउंड लेती है, तो वो ये सिस्टम है इसके द्वारा। इस लीवर को दबा के, यस, जब अपन ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इस लाइन के साथ एक कैंची, रेलवे की लैंग्वेज में कैंची बोलते हैं, छोटा एक लाइन का पीस होता है ऐसा तिरछा वाला, वो जुड़ा हुआ होता है। जैसे इसको इधर किया, ये पीस इस लाइन से हटके दूसरी लाइन में जुड़ जाएगा, और जुड़ते ही यहाँ से जो सीधी ट्रेन जा रही है वो सीधी नहीं जाके बीच में जो गैप बना था उसमें घुस के टर्न ले लेते, तो इस तरह ट्रैक चेंज हो जाता है। और यहाँ पर